ओह गॉड, यहाँ तो कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी, क्या मुझे कुछ करना होगा? तर जा! क्या कर रही हो मैडम जी? जी, आप भी शराब पी है? आप प्लीज अपनी जगह रोकिए, मुझे आपकी लिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज मुझे उतरना है, गाड़ी रोकिए अपनी। रोक देंगे मैडम जी, इतनी जल्दी क्या है, सुहानी सड़क, सुहाना सफर है मैडम जी, मजा लीजिए। अरे रोक देंगे कहीं और जाकर। बदतमीजी वाली बात मत करिए मुझसे, आप ये मत समझिए कि मैं अकेली हूँ, मेरे पति भी मेरे साथ है। ऋषि, ऋषि प्लीज बाहर आओ, ऋषि, 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 गाड़ी रोको वरना मैं। अरे मैडम जी, कभी कभी तो पुण्य कमाने का मौका मिलता है, ऐसे कैसे जाने दें? तुम गाड़ी रोकियो नहीं, मैं कूद जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। पूछने के बारे में सोचना भी नहीं, मैं तो जिंदा नहीं बचोगी। अगर मैं नहीं बची तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अरे कहाँ भाग रही तुम मैडम जी? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैडम छोड़ दिया है तो इलाज भी तो करती जाओ। माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आंखों में आंसू तो और जम रही हो मैडम। छोड़ दीजिए मुझे। तनुजा को छुआ, मेरी तनुजा को छुआ, Thank you.
प्लीज यहाँ से चलो। अब ट्रक से मिली है पर पानी साफ है, प्लीज पी लो। ऋषि, तुमने मुझे उस ट्रक ड्राइवर से बचा लिया। मैं तो बहुत डर गई थी कि तुमने ट्रक क्यों रोका। मैंने कहा ट्रक रोकने के लिए, मैंने कहा कि अगर कार आएगी तो कार से लिफ्ट मांगना, ट्रक से नहीं। पकड़ो इसे। अब मैंने तो देखा भी नहीं था कि ट्रक है कि कार। जैसे मैंने ट्रक को देखा मैं खुद कंफ्यूज हो गई। मैंने पीछे पलट के तुम्हें देखा और तुम मुझे कहीं दिखे नहीं। उसके पहले कि मैं ट्रक को रोकती, ट्रक वाले ने अपने आप ही वो ट्रक रोक दिया। तुमने कहा था कि तुम आके पीछे से बैठ जाओगे, तुम क्यों नहीं आए? वो पैर फिसल गया और मैं गिर गया। लेकिन तुम अकल का इस्तेमाल करती ना, थोड़ा थोड़ा सा। सॉरी। इट्स ओके। अगली बार चक से लिफ्ट नहीं मांगना कभी, ओके? ओनली कार। तुम यहां तक पहुंचे कैसे? थैंक यू। अभी हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ऋषि, मुझे तुम्हारी तनु बहुत पसंद है। काश मैं भी उसकी तरह बन सकूं। काश मैं भी दूसरों की खुशी के लिए जी सकूं। काश मैं भी दूसरों के लिए जी सकूं। तनु बनने की कोशिश ना करना। जिंदगी में सिर्फ दर्द बनेगा और कुछ नहीं। पर एटलीस्ट मैं किसी के लिए स्पेशल तो रहूंगी। कोई मुझसे इतना प्यार तो करेगा जितना उससे करता था। मलाइका, मैं कह रही थी। मलाइका, ये क्या तुम फिर से घर छोड़कर जा रही हो? माउंट आबू। हाँ आंटी, अब ऋषि और तनुजा को अलग रखने का सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं उनके बीच में आ जाऊं। आई नो कि आपको ऋषि पे बहुत ट्रस्ट है, लेकिन मुझे उस तनुजा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। वो ऋषि को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो मुझे ही कुछ करना होगा। और आंटी प्लीज, अगर आप मुझे रुकने के लिए कहेंगी तो अब मैं रुक नहीं सकती। ऋषि, क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है। क्यों, गांव वाले पैर थक गए क्या? अच्छा ठीक है, चलो कहीं रुक के आराम कर लेते। वहां कोई घर हवेली टाइप जगह दिख रही है। हाँ। चलो देखते हैं। अरे कहाँ चल दी? वहाँ हवेली के पास। अब इतना अंधेरा सुनसान हवेली, तुम ऐसी चल दी? तो मतलब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? पागल, मुझे अंधेरे क्यों डर लग गया? नहीं नहीं तो चलो फिर। चलो। अरे वहां नहीं, वहां चलो। चलो मुझे अभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? इट्स नॉट राइट, ठीक नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, पकड़ना तुम्हें डर लगेगा, तुम क्या अंधेरे में डर जाओगी? अच्छी बात नहीं है। I'll manage. नहीं, वो... I'll manage. इतना अंधेरा है यहाँ पे, लाइट्स कहाँ से ऑन करूँ? इस खंडन में लाइट्स कहाँ से आएंगी? क्या हुआ? ऐसी पुरानी हवेलियों का मजाक नहीं बनाते।
क्यों? जो लोग यहाँ रहते हैं ना वो बुरा मान जाते हैं। यहाँ लोग रहते हैं? कौन रहता है? भूत? सॉरी सॉरी भूत जी, वो क्या है कि योर नाइस हाउस, ब्यूटीफुल, पीस, शांति यहाँ पे है। अच्छा, अरे शायद वहां पे स्विचेस है। हाँ क्या हो गया? अजीब मर्जी है लाइट्स की। अभी ऑन हुई थी, अब ऑफ हो गई। तुम्हें भूतों से डर लगता है? हाँ? नहीं। चल झूठे, देखा है मैंने डरपोक। उस दिन चमगादड़ से भी डर गए थे। पता नहीं कितना डरते हो तुम, डरपोक। हाँ, मुझे चमगादड़ और इच्छाधारी नागिन से डर लगता है, और तुम जैसे चुड़ैल से भी। क्या मैं चुड़ैल हूँ? हाँ, मतलब सिर्फ मैं नहीं, अक्सर लोगों को डर लगता है चुड़ैल और इच्छाधारी नागिन से। और कुछ लोगों को चमगादड़ से भी डर लगता है, जैसे तुम। स्मार्ट मत बनो, ओके? ठीक है। हाँ मतलब डर लगता है, बट इट्स ओके। पर पता है क्या, तुम्हें चूहे से डर लगता है क्या? नहीं, मैंने आज तक कभी मजाक उड़ाया नहीं ना। और पता है क्या, तुम्हें छिपकली और कॉकरोच से भी डर लगता है, आई एम श्योर। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे छिपकली और कॉकरोच से डर लगता है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। बोलने क्या, मतलब इट्स ऑब्वियस यार, हम मर्दों को डर लगता है चुड़ैल और इच्छाधारी नागिन से, और तुम्हें डर लगता है छिपकली और कॉकरोच से। वाह, व्हाट अ लॉजिक। वो तो है, बहुत अच्छा लॉजिक है। अब बड़े बात, वेरी गुड। सॉरी, वो मत जाओ प्लीज। नहीं मतलब कि अंधेरा है ना, तो चीजें बिखरी हुई हैं, तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे लगा तुम कुछ और कह रहे हो। क्या? कुछ नहीं। अरे कुछ और नहीं, मजाक कर रहा हूं। अरे अंधेरे मुझे अपनी शक्ल नहीं दिख रही, चूहा का दिखेगा यार। ओ तुम्हें आयो फर के, क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? मैंने वहां पे किसी का साया देखा। साया? तुमने साया कहाँ देखा? वहाँ मैंने देखा किसी को। तुम जाके देखो ना वहाँ पे कौन है। जाओ ना, देखो ना, जाओ ना। मैं जाके देख। पर मैं क्यों देखूँ? तुमने पहले देखा ना, तो तुम जाके देखो। अब मैं तुम लड़के हो, तुम्हें तुम जिम जाते हो, तुम्हें बॉक्सिंग भी आती है। तुम जाके देखो वहाँ पे कौन है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने किसी को देखा वहाँ पे। बॉक्सिंग का साइज से क्या? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो अंकल, अंकल जी। भूत है, भूत। विनोद को भेज देना एयरपोर्ट पे कार लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। एयरपोर्ट? क्यों?
कहीं जा रही हो मलाइका? जी वो कहाँ जा रही है? वो लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी रात हो गई है, आपके तो सोने का वक्त हो गया ना जी। सोने का वक्त तो तुम्हारा और मलाइका का भी हो गया है। मलाइका बताया नहीं तुमने कि कहाँ जा रही हो तुम? मुझे बताया था ना जी, ये बिजनेस के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रही है। लेकिन अरे क्या कमाल करते हो आप, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है ना बॉम्बे का क्या ट्रैफिक है? हाँ जैसे जल्दी जाती है। बाय बेटा बाय। मलाइका इतनी सहमी हुई क्यों लग रही थी और उससे पूछे हर सवाल का जवाब राणा क्यों दे रही थी? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। ऋषि आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ऋषि उठो। नहीं 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 प्लीज। तुमने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया ऋषि, तुम जानते हो मैं कितनी बुरी तरह से डर गई थी। अगर मैं बस जाती मुझे हार्ट अटैक आता। नहीं तनुजा चुप। I'm sorry, okay? मैं मजाक कर रहा था यार, मुझे पता है कि तुम इतनी ज्यादा मतलब तुम्हें इतना अफेक्ट करेगा, तुम इतनी डर जाओगी। मैं आई स्वेयर मैं जानता नहीं था। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब चलो ड्रामा खत्म, अब सो जाते हैं। और वो क्या है? क्या? अरे वो हाँ बताता हूँ, इधर आओ। देखो इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये मैंने एक्चुअली एक इंग्लिश फिल्म में देखा था तो वहीं से आइडिया चुराया। ये देखो। चलो सो जाते हैं अब। सॉरी आओ सो जाते हैं। वैसे अगर सच में भूत हुआ तो I'm sorry. मिस्टर एंड मिसेस ऋषि सिंह बेदी के नाम पर ही स्वीट बुक्ड है, तो चेक कीजिए ना प्लीज। ऑफ कोर्स मैडम, स्वीट बुक था लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो आंटी। अरे मलाइका, इतनी रात को क्यों फोन किया बेटा? मैं तो सो रही थी, सब ठीक है ना? ऋषि और तनुजा यहाँ पर आए ही नहीं। क्या वो पहुंचे नहीं बेटा? हाँ
100% ये तनुजा का ही गेम प्लान है। उसने ऋषि को कहीं और रुकने के लिए कहा होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? और मुझे तो डर है कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ। कैसी बातें कर रही है बेटा, शुभ शुभ बोल। देख, हम बुरा बुरा सोचते रहेंगे ना तो बुरा हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, तू एक काम कर, तू ऋषि को फोन कर। आंटी, यहाँ पहुंचने से पहले मैं उसे कंटिन्यूसली फोन मिला रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ? अब तो फिर आप क्या करें मलाइका? अब करना क्या है, रात भर यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तक ना तो यहाँ से कोई फ्लाइट है ना कोई ट्रेन। सुबह 12 बजे की फ्लाइट लेकर वापस आ जाऊंगी, उससे पहले ऋषि को फोन ट्राई करती रहूंगी। ओके बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। हाँ, टेक केयर। हाँ, बाय। नहीं, इट्स ओके। सच में? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पी लेना। चलो हम निकलते हैं, बहुत लेट हो गया, सामान पैक करते हैं। हाँ, मैं फटाफट पैक करता हूँ। चलो डाल वाल के। वैसे यू आर गुड, तुम अच्छी हो, यू आर अ गुड वाइफ। बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर इस तरह अपना हक जताते हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। अगर और भी अच्छा होता अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ फील करते। वैसे तुम भी बहुत अच्छे हस्बैंड साबित हो सकते हो। कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चल झूठी, क्या सोच रही थी? मैं झूठ नहीं बोल रही। सच भी नहीं कह रही हो, बताओ। बताओ। वो क्या? बताओ क्या सोच रही थी? वो मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी, खुद पता कर सकते हो तो कर लो। तनुजा, मेरी क्या सोच रही थी? ऋषि के स्विच ऑफ फोन ने सारा मूड ही ऑफ कर दिया। इतनी देर अपना फोन को स्विच ऑफ रखता है क्या? आई थिंक मुझे तनुजा को फोन मिलाना चाहिए। नहीं, तनुजा को फोन करना ठीक है या नहीं? आखिर क्यों नहीं, ऋषि उसके साथ है और मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि वो दोनों कहां हैं और कैसे हैं। और मेरे फोन को देखकर तनुजा एटलीस्ट अलर्ट हो जाएगी, उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मलाइका ऋषि को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। थैंक गॉड बेल तो जा रही है। ये भी अपना फोन नहीं उठा रही। तनुजा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, रुक जाओ। मैं वार्न, तनुजा मैं बात कर, रुक जाओ यार। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, और इतना ही है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। अच्छा, ये बात है? पकड़ो। ऋषि आ। देखो, मेरी गलती नहीं है, इस बार सॉरी मैं नहीं बोलूंगा। मैंने पहले वार्न कर दिया था, गलती तुम्हारी है। तो मैं सॉरी बोलूं? मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, मेरी भी गलती नहीं है। क्या बच्ची हो तुम यार, मतलब बच्चों ऐसे लड़ती हो? देखो बड़ी हो गई हो, बड़ों की तरह बिहेव क्या करो। ओके, चलो गलती तुम्हारी है, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। अच्छा, बड़े होने की जरूरत तुम्हें है, बच्चे तुम हो। क्यों? अरे हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते यार, वी हैव टू बी अलर्ट। और तुम जानती हो ना उस ट्रक ड्राइवर ने क्या किया था, तुम्हें याद है ना? अब जब भी लिफ्ट लेंगे तो मैं पहले लिफ्ट लूंगा, मतलब मैं 100% श्योर हूंगा, उसके बाद ही चेक करूंगा, फिर हम गाड़ी में बैठेंगे, समझ गए? एक मिनट, कोई गाड़ी आ रही शायद। वो रही गाड़ी। रुको रुको, मैं देखता हूँ। हाँ ऋषि, बैग। अब
हेलो आंटी, वो एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है और वो मैकेनिक को लेने माउंट आबू तक जाना पड़ेगा। क्या आप प्लीज हमें थोड़ा आगे तक छोड़ सकती हैं? अरे टिकरा लो, आओ आओ ना, बैठो बैठो, मैं तो तुम लोगों को पूरा छोड़ के आऊंगी। चलो जल्दी बैठ जाते हैं। हाँ चलो। आंटी मेरा नाम तनुजा है और वो मेरे हस्बैंड ऋषि। हेलो, आई एम पर्सिस। थैंक यू। कि ऋषि और तनुजा आखिर कहां गए होंगे? मलाइका कहीं सही तो नहीं कह रही थी कि ऋषि तनुजा की ओर खींच रहा है? नहीं नहीं नहीं, मॉम गुड मॉर्निंग, चाय। हाँ चाय, थैंक यू। क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों? आप टेंशन में? मैं नहीं, मैं क्यों टेंशन में रहने लगी? ठीक है, मैं मलाइका को चाय दे आती। रुको, मलाइका अपने कमरे में नहीं है, वो माउंट आबू गई है। माउंट आबू? ऋषि और तनुजा से मिले है ना? क्यों, वो ऋषि और तनुजा से क्यों मिलेगी? क्या उसको कोई और काम नहीं है क्या? बात करती हो आना तुम, वो अपनी बिजनेस की मीटिंग के लिए गई है। ओके मॉम, मुझे सब समझ में आता है, पर आप भी समझिए, आप और मलाइका जो कर रहे हैं ना सही नहीं है, जो हो गया वो हो गया। देखो आना, मैं जो कर रही हूं ना उसकी मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी बहन नहीं है, सिर्फ उसकी शक्ल तनु से मिलती है। और क्या बात है, आजकल तुम तनुजा की बहुत साइड लेती हो, बहुत पसंद आने लगी है तुम्हें। हाँ हाँ, मैं उसकी साइड लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे यही पता चला है कि आप और मलाइका ये खेल खेल रही है, वो नहीं। मुझे तनुजा कभी नहीं पसंद आई और ना ही मैं उसे ऋषि की जिंदगी में देखना चाहती हूँ, और आप और मलाइका जो खेल खेल रही हूँ उसके बाद मुझे मलाइका भी कोई खास पसंद नहीं। अरे पहुंच गए हम लोग। अरे नहीं नहीं, थैंक यू आंटी, आपने हमें वो फाइनली पहुंचा दिया, वो बैग। सीरियसली आंटी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू। वो ठीक है डिग्री, लेकिन अब तक तुमने क्यों नहीं बोला ऋषि को तुम उसे कितना चाहती हो? ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं? डिग्री मैंने जिंदगी ज्यादा झीली है, एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने भी अपने बमन को उतना ही लव किया जो तुम्हारी आंखों में ऋषि के लिए लव है। जा बोल दे ऋषि को वो कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। थैंक यू, चले बाय आंटी, गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू डिकला, टाटा बच्चा लोग, टाटा टाटा। वाओ फाइनली हम रिजॉर्ट पहुंच ही गए, नाइस। कितनी खूबसूरत है ना जगह। अब तक तुमने क्यों नहीं बोला ऋषि को तुम उसे कितना चाहती हो? सॉरी,
तुम यहाँ? ऋषि, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम अपना फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे थे? पता है कितना डर गई थी मैं। वो सब ठीक है, तुम अचानक यहाँ कैसे? वो सब मैं भी तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम चलो ना, अंदर चल के बात करते हैं। हरे हरे पर कहाँ? अरे चलो ना। चलो अंदर। चलो ना ऋषि। ऋषि, तुम्हें पता है हमारे इन्वेस्टर्स भी यहाँ आने वाले हैं हॉलीडे पर, और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सोचा कि तुम्हारा ये हनीमून वो तो सिर्फ राज अंकल को दिखाने के लिए, और यहाँ पर तनुजा के साथ बोर होने से अच्छा है कि तुम मीटिंग कर लेना। वैसे ऋषि, मैं अचानक से यहाँ पर आ गई, यू डोंट माइंड राइट? नो, आई डोंट माइंड। वैसे इन्वेस्टर्स भी कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, मैं चेक इन करके आता हूँ। या गेस व्हाट, अब राज अंकल तो यहाँ है नहीं, तो अब तुम क्या करोगी? हाँ, अब चाबी मिल गई, चले। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम है। तनुजा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, वो जैसे ही बैग लेकर आए मेरे कपड़े निकाल देना। थैंक्स। देखो तनुजा। क्यूज मी बैग। थैंक यू। वेलकम। देखो तनुजा, तुम्हें ये पत्नी बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, राज अंकल तो यहाँ है नहीं, रिमेम्बर? हाँ, मगर वो कॉल जरूर करेंगे, तो तुम इस कमरे में रह सकती हो, लेकिन ऋषि की बीवी बनकर नहीं। और ऋषि की चॉइस मैं अच्छे से जानती हूँ, उसे ये टी शर्ट बहुत पसंद आएगी। ये स्टूपिड से पिंक टी शर्ट नहीं। मेरे कपड़े निकाल दिए। हाँ ऋषि, तुम्हारे कपड़े यहाँ काउच पर पड़े हैं, मैं और तनुजा बाहर जा रहे हैं, अब तो तुम चेंज कर लेना। तनुजा, एक सेकेंड आना। तनुजा, अब मैं देख रही हूँ कि तुम ऋषि की तरफ कैसे अट्रैक्टेड हो। याद है एक दिन बहुत पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ऋषि कैसा लगता है, और तब तुमने मुझे कहा था कि ऋषि के प्यार में तो कोई भी लड़की पड़ सकती है, लेकिन वो लड़की मैं हूँ, तुम नहीं, इसीलिए थोड़ा सा दूर रहो ऋषि से। वैसे भी तुम ऋषि के साथ तब तक हो जब तक कि राज अंकल ठीक नहीं हो जाते, और वो काफ़ी बेटर हो रहे हैं, और उसके बाद ऋषि पर सारा हक सिर्फ मेरा होगा। एंड तनुजा, जस्ट लुक एट यू, कम ऑन, तुम ऋषि को डिजर्व नहीं करती, ना तो तुम्हारा कोई टेस्ट है और ना कोई क्लास, मतलब तुम में और मुझ में सिर्फ यही एक फर्क है जो जूट और रेशम में होता है। जूट भी घर में रहता है, लेकिन पायदान बनकर, फुटमैट, और रेशम, रेशम पहना जाता है सलीके से। मैं रेशम हूं और तुम?
समझ गई ना? इसीलिए कह रही हूँ ऋषि से थोड़ा दूर रहो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बिकॉज ही इज माइन। वैसे भी ऋषि ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो बहुत जल्दी मुझसे शादी कर लेगा। अरे तुम दोनों यहां पर हो? वो पापा जी का फोन है, उन्हें तुमसे बात करनी है। और हाँ, मुझे वो व्हाइट वाली शर्ट नहीं, ये ज्यादा पसंद है, व्हाइट से बहुत बोर हो चुका हूं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? जी बाबूजी, कैसे हैं आप? पुत्र, अभी तक तो मैं थोड़ा बेचैन था, लेकिन अब तेरी आवाज सुन ली है ना, बस भला चंगा हो गया हूं। अच्छा, आप टाइम से दवाइयां तो ले रहे हैं ना? पुत्र एक बात बता, तू ऋषि के साथ एक दिन रह के उसकी जैसी शरारती हो गई है। ओए बेटा, तू अपने हनीमून पे गई है, वहां के हाल बता, मौसम कैसा है, ऋषि का मूड कैसा है, तू कैसा फील कर रही है? ऋषि भी बहुत अच्छे हैं और मैं फील भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। थैंक यू बाबूजी। अच्छा, तो बाबूजी भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है? वो मैं इससे पहले कभी घूमने नहीं आई ना, इसलिए। उत्तर, तुझे किस्मत ने पहले इसलिए कभी बाहर घूमने नहीं भेजा क्योंकि तुझे ऋषि के साथ भेजना था, है ना? जब उत्तर, अब इस सफर को, इस ट्रिप को हमेशा याद रखना। उत्तर, बहुत से लोग हैं जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते, लेकिन फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हमेशा पुत्र, मैं वाहेगुरु जी से जब भी कोई अरदास करता हूं ना, तो एक ही अरदास करता हूं कि तुझे खुश रखे। और पुत्र, पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है, इसलिए तो थैंक यू वैंक यू छोड़, जो तेरा है उसे अपना मानना सीख। पुत्र, किसी को जबरदस्ती कोई सफाई देने की या अपने आप को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोगों को क्या है, लोग तो बेकार में अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी बोलेंगे कि इस पर तेरा अधिकार नहीं है, उस पर तेरा अधिकार नहीं है। जिस पे तेरा अधिकार है वो किसी के लिए मत छोड़ना, समझी ना? जी बाबूजी। चल ठीक है पुत्र, अब एंजॉय करो, लुक आफ्टर योरसेल्फ, ओके? बाय पुत्र, बाय। मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। क्या मलाइका, ये क्या कह रही है बेटा? ऋषि तनुजा की बाहों में था? जी आंटी, बाहों में तो थी लेकिन जिंदगी में नहीं आ पाएगी। डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी बेटा देख, तू तनुजा को ऋषि के आसपास भी भटकने मत देना। तू हर वक्त ऋषि के ऊपर नजर रखना, बहुत चालाक है। ऋषि सिर्फ और सिर्फ तेरा है, और उसे पाने के लिए तुझे जो कुछ भी बन पड़े ना तो करना। अच्छा आंटी, अब मुझे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तनुजा, कि मलाइका किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गई। तूने झूठ बोला मुझसे, मलाइका माउंट आबू गई है ऋषि और तनुजा की ट्रिप को खराब करने। तू क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहती है? मैंने तुझसे कहा था ना, मलाइका अच्छी लड़की नहीं है। वो तो तूने कहा, इसलिए मैं उसे इस घर में रहने दे रहा हूं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो तनुजा शादी के लिए मान गई, और पता नहीं क्या होने जा रहा था। तनुजा, 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 हर वक्त तनुजा, तनुजा ये, तनुजा वो। आपको सिर्फ तनुजा ही नजर आती है ना,
जिस तरह से आप मलाइका से नफरत करते हैं ना, उसी तरह मैं तनुजा से नफरत करती हूँ। आपने तरस खा करके मलाइका को इस घर में रहने दिया ना, उसी तरह मैंने भी तनुजा पर तरस खाकर इस घर में रहने दिया है। रहने दिया मतलब? तनुजा को इस घर से निकालने की बात तो दूर, निकालने के बारे में सोचना भी मत। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रानू, कोई माने या ना माने, तनुजा ऋषि की बीवी है, हमारे घर की बड़ी बहू है। कैसी माँ है तू? अपने बेटे के लिए सौतन लाने की तैयारी में लगी। कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। ऋषि और तनुजा के बीच मलाइका तो क्या, भगवान भी आ गए ना, तो मैं भगवान से भी लड़ लूंगा। मलाइका? मलाइका ऋषि और तनुजा के बीच में आई है? तनुजा आई है ऋषि और मलाइका के बीच में, उसने उसका प्यार, उसका हक सब कुछ छीन लिया है, और अब वो बिचारी अपना प्यार पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए लड़ रही है, तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा ऋषि, मलाइका का कभी नहीं हो पाएगा। ऋषि सिर्फ मलाइका का है, और मलाइका उसे पाकर ही रहेगी, आप देख लेना।